ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਬੇਬੀ ਸੱਜ ਧੱਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਠਾਈ ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਬੇਬੀ ਸੱਜ ਧੱਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਠਾਈ। पापा जी अभी मम्मी जी का फोटो खींच रहे हैं। ये है कपल गोल, ऐसे लग रहा है मम्मी जी जंगल में है हिरन के साथ। ये रहा मेरा फाइनल लुक फॉर हल्दी, आप लोग कमेंट करके बता। बाबू एक कुटुंब भेट लो तुला तेजा। हैप्पी बर्थडे टू यू टनंग। हमारी तरफ से आप लोगों को हैप्पी वैलेंटाइंस वीक। आप लोग सोच रहे हो कि ये लोग वैलेंटाइन डे क्यों नहीं मना रहे, तो हमारे लिए सारे दिन वैलेंटाइन डे होते हैं इसलिए हम लोग नहीं मनाते। एंड यस, और गाइस वैदू कितना मस्त रेडी हुई, आप लोग ने नोट किया? वैदू व्हाट इज द ओकेशन? बिकॉज इट्स माई सिस्टर्स वेडिंग, सो यस उसी के वेडिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली अभी कुछ फंक्शन है उसके लिए जा रहे हैं और फिर हल्दी होगी और फिर शादी वाला व्लॉग आने वाला है, तो बने रहिए क्योंकि आपको ये सारी चीजें हम दिखाएंगे। yes, और मेरे लुक भी, ये सारे लुक, तो ये सारी चीजें आपको यही व्लॉग में देखने मिलेंगी। तो ये व्लॉग बहुत अमेजिंग होने वाला है, सो लेट्स गो। अभी एक फंक्शन है, हम लोग जाते हैं वहाँ पर और आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे ही मैं वहाँ पहुंची मैंने देखा सब लोग जो डांस कर रहे थे, जो मस्ती कर रहे थे, उनको देख के मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। पर डांस करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं सबसे मिल लूं, मेरी बुआ और सब लोगों से, सारे रिलेटिव से। और उसके बाद जो डांस स्टार्ट कर दिया मैंने, और करण को भी देखो, वाओ, हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, बहुत अलग अलग टाइप का डांस किया। मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या कर रही थी, लेकिन एक बात है कि हम लोग ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जिसके साथ मैं डांस कर रही हूँ मैं इसकी मासी लगती हुई, ये मेरा भांजा है, यस मेरी दीदी का लड़का, और हम लोग का जो वाइब मैच हो रहा था, इतनी मस्ती की हम लोग ने, क्या बताऊँ। फिर बारी आई मेरे घर के चिल्लर पिल्लर के साथ डांस करने की, इन लोग भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट डांस कर रहे थे और यहाँ पर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसे लगा। यहाँ पर करण सबके साथ डांस कर रहा था, मेरी मम्मी के साथ, मेरे बुआ के साथ, और जो सब लोग एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और देखते देखते रात हो गई और कैसे दिन निकल गया हल्दी जो सबसे पहले फंक्शन होगा और उसके बाद होने वाले मेन शादी, तो दोनों के लिए मैं बहुत अच्छे से रेडी होने वाली हूँ। और सबसे पहले तो मैं क्या करने वाली हूँ, नहाने वाली हूँ क्योंकि सुबह सुबह हो गई और मुझे जल्दी जाना। एंड नहाने के लिए आज मैं हेयर वॉश करने वाली हूँ, एंड मैं यूज करने वाली हूँ B-Blunt का एंटी हेयर फॉल रेंज। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने कहा कि मुझे रेडी होना है, तो आज बहुत सारा मेकअप और बहुत ज्यादा हेयर स्टाइल होने वाली है जिसके लिए हीट एंड ऑन होने वाला है। मेरे बाल ऑलरेडी डैमेज हो गए और हेयर फॉल हो रहा है, इसलिए मैं B-Blunt का हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू और कंडीशनर यूज करने वाली हूँ। तो जब तक मैं नहा लेती हूँ, करण आपको इसके बेनिफिट्स बताएगा। B-Blunt is a premium hair care and styling brand, and this range has pea protein and caffeine. Pea protein is a powerhouse of protein and essential minerals, and it helps rebuild keratin and repairs damaged hair. Wherein caffeine helps nourish your hair and strengthens it from the root. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ B-Blunt का हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। जेंटली मसाज द शैम्पू ऑन वेट हेयर एंड स्कैल्प, रिंस थरोली एंड फॉलो विद हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ B-Blunt का हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर। अप्लाई द कंडीशनर इवनली, फोकसिंग ऑन द मिड लेंथ एंड एंड्स, लिव इट फॉर 3 मिनट्स एंड देन रिंस इट ऑफ विद वाटर। अब मैं इस शैम्पू कंडीशनर के आपको 4 key benefits बताऊंगी। फर्स्ट, इट रिड्यूसेस हेयर फॉल बाय अप टू 93%। सेकंड, इट्स एनरिच विद शाइन टॉनिक टू गिव अ स्पेक्टेकुलर शाइन। थर्ड, इट्स डिजाइन बाय एक्सपर्ट हेयर प्रोफेशनल टू गिव सैलो लाइक हेयर एट अनबिलीवेबल प्राइस ऑफ 399। एंड फोर्थ, इट्स SLS एंड पैराबेन फ्री। तो मेरी साड़ी पहन के हो गई, कुछ इस तरीके से साड़ी है जो मैं अभी पहनने वाली हूँ हल्दी के लिए। नहा के भी हो गया, हेयर वॉश करके भी हो गया। अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, देयर आर नो हेयर स्ट्रैंड्स इन माय टॉवल, मतलब हेयर फॉल इतना ज्यादा कंट्रोल हो गया। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हेयर फॉल कंट्रोल स्कैल्प टॉनिक। तो मैं जल्दी से टॉनिक लगा देती हूँ और रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। B-Blunt का हेयर फॉल कंट्रोल स्कैल्प टॉनिक आप दिन में कभी भी लगा सकते हो, एंड इट इम्प्रूव्स द हेयर ग्रोथ बाय 60% इन जस्ट 56 days। Also, don't forget to use the coupon code TRAVELER2024 to get 20% off on bblunt.com, and the products are also available on Amazon, Nykaa and Flipkart. So, happy shopping! One last thing. Every time you buy from B-Blunt, they will link your order to a woman they empower using Sambhav Foundation through the B-Blunt Shine Academy. They are on a mission to empower 10,000 women across the nation, and this screenshot here says a lot. Ab chalo chalte hain Vaidu ki taraf aur dekhte hain wo kya kar rahi hai.
तो ये रहा मेरा फाइनल लुक फॉर हेल्दी। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे शाम के लुक के लिए, तो वो भी देखना मत भूलना। तब तक आपको लेके चलते हूँ, दिखाती हूँ क्या क्या चल रहा है हेल्दी में। एकदम मस्त लग रहा है वैसा लुक। चलो मैं अभी जाता हूँ, वैदू को छोड़ कर आता हूँ। जब मैं वहां पहुंची ऑलरेडी फंक्शन स्टार्ट हो गया था और डिंकी बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने उसे हल्दी लगाई, कुछ रिचुअल्स हुए और उसके बाद फोटो सेशन हुआ और मैं निकल गई रेडी होने के लिए। फाइनली मैं जा रही हूँ मेरा सामान लेके, करण मुझे छोड़ने आया है। मैं जा रही हूँ रेडी होने, फिर आपको भी लेके चलती हूँ, वहाँ पे कैसे रेडी हो रही वो दिखाती हूँ। टन टडा, मैं पहुँच गई और आउटफिट पहन के रेडी हो गई और वेट कर रही थी मेकअप स्टार्ट करने का। तो लेट्स स्टार्ट द मेकअप। एज यूजुअल पहले लेंस लगाया था जिसकी वजह से मेरी आंखें बहुत प्यारी लग रही थी, फिर बेस भी हो गया, हेयर स्टाइल स्टार्ट कर दी। हेयर स्टाइल स्टार्ट होते होते मैंने एक्सेसरीज भी पहन ली और कंप्लीट मेकअप खत्म हो गया मेरा। टॉप टू बॉटम लुक आपको वेन्यू पर दिखाऊंगी। मीन वाला आप मुझे बताना कि आपको मेरा क्लोजअप लुक कैसा लग रहा है मेकअप का। मुझे तो बड़ा प्यारा और सटल सा लगा। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे शादी होने वाली है। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे पहले सोचा क्यों ना हम लोग हमारे फैमिली का लुक दिखा दे। मम्मी जी ने वो सारी डाली जो हम लोग कोयम्बटूर से लेके आए थे, पापा जी भी अच्छे लग रहे, करण कैमरा के पीछे, और ये रहा मेरा कंप्लीट लुक। आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, और यहाँ पे हम लोग कुछ फोटोज खींचेंगे। उसके पहले मुझे करण का लुक दिखाना है। करण, मैं यहाँ पर सिंपल सा लुक यहाँ पे आप फैमिली के साथ। ओहो हो, अभी बताओ गाइस, सिंपल है? बिल्कुल भी सिंपल नहीं लग रहा, बहुत अच्छे लग रहे हैं सब लोग। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़े प्यारे से फोटो खींचेंगे, फिर ऊपर दिखाएंगे आपको क्या चल रहा है। राइट, ऑलराइट, चलो मैं फोटो खींच लेता हूं। यस, पापा जी अभी मम्मी जी का फोटो खींच रहे हैं। ये है कपल गोल, ऐसे लग रहा है मम्मी जी जंगल में है हिरन के साथ। पूछ रहे देखो कितने स्वीट है मेरे पापा जी। देखो करण इन्हीं से सीखा है। हाय करण, सच बता, इनके गुण सारे, इनके गुण देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। आंटी हर स्पॉट पे ले रही है, वहां लेके हो गया, यहाँ लेके हो गया, अब यहाँ पे और फिर वहां पे भी जाएंगी। और करण ये मूवमेंट कैप्चर करते हुए, और अभी हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट से ऊपर, हो गया सबका फोटो सेशन। चलो 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 ड्रेस संभाल के। हम लोगों ने अंदर एंटर किया, जैसे एंटर किया थोड़ा सा हाय हेलो हुआ सबके साथ, एंड फिर दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई। दोनों ही काफ़ी प्यारे लग रहे थे, फिर हम लोग ऊपर चले गए उनसे मिलने के लिए और फोटो खिंचाने के लिए। ये मूवमेंट बहुत ही ऑकवर्ड मूवमेंट रहता है, मैं बता सकती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। मेरे और करण की शादी जब हुई थी, हम लोग रिसेप्शन पे ऐसे ही खड़े थे और ये टाइम क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। जिनकी शादी हो चुकी है और उन्होंने भी ऐसा मूवमेंट किया है तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने क्या किया था। बट मैंने और करण ने तो काफ़ी इन्जॉय किया था, हम लोग बहुत हंस रहे थे। Happy birthday to you, Tang Tang. Happy birthday to you. तो यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है क्योंकि मेरी दीदी का है बर्थडे, और इससे
अच्छा मौका क्या हो सकता है, पूरी फैमिली सब जमा होकर, हम लोग को टेबल नहीं मिला तो हम लोग ने काम चला लिया, इसे बोलते हैं जुगाड़। तो चलो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, शादी अच्छे से हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया, केक खाएंगे और उसको उसके बाद बताएगा क्या, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। तो चलो आगे हम लोग घर पे, और वैदू निकाल रही अपना मेकअप। वैदू ने मुझे पहले ही बोला कि ये सबसे अजीब पार्ट है ना, आई नो, मतलब मेकअप करना मुझे जितना पसंद है उतना ही ज्यादा गुस्सा मुझे उसको निकालने में आता है, क्योंकि ये देखो इतना निकाला, पता नहीं कितने किलो का मेकअप निकला, फिर भी कम्प्लीटली नहीं निकला, अब जाके फेस वॉश करूंगी उसके बाद सोऊंगी, मतलब और आधा घंटा ऑलरेडी नींद में लग रही है मेरे को लड़की, काफी ज्यादा थक गए। तो कुछ इस तरीके से था आज का हमारा फंक्शन, बहुत मजा आया, बहुत दिनों के बाद सबसे मिले एंड बहुत अच्छे से शादी हुई। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय बाय।